बजाज सिटी 125X और इस पे जो है काफी अलग मॉडिफिकेशन है जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी। आप यहाँ पर आओगे, सबसे पहले आप देखो ये जो इसकी स्टॉक हेडलाइट आती है ना, पूरे के पूरे असेंबली चेंज कर रखा होगा। ये माइनस का काफी जो है ऑसम लुक आता है। एक यहाँ पर वाइजर भी लगा रखा है, आओगे तो इसका मीटर भी देखोगे तो डिजिटल लगा रखा है। फीचर इसको आप कुछ सेकंड तक होल्ड करोगे ना तो कलर चेंज हो जाएगा। अभी ये रेड है, वैसे बेसिकली ये एवेंजर के हैं और काफी स्ट्रॉन्ग है। मिलते हैं, एक मिलता है व्हाइट और एक मिलता है येलो। स्विच लगा रखा है यहाँ पर, इसमें एक बैकलाइट तो है, एक छोटी सी बैकलाइट यहाँ पर। तो जी दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने देखा थोड़ा सा स्टार्टिंग में टीजर, आज जो वीडियो काफी अलग है। यहाँ अपने सामने है बजाज सिटी 125X और इस पे जो है काफी अलग मॉडिफिकेशन है जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी। जैसा कि आप देख ही रहे हो, फ्रंट इसका पूरा चेंज कर दिया है और बैक भी काफी हद तक चेंज है। तो फ्रंट पे अगर आप यहाँ पर आओगे, सबसे पहले आप देखो ये जो इसकी स्टॉक हेडलाइट आती है ना, पूरे के पूरे असेंबली चेंज करके यहाँ पर थार लाइट लगा दी है जो कि राउंड वाली है, जिसमें माइनस वाली थार लाइट लगी हुई है, आप चेक कर सकते हो। तो अभी क्या है, जैसे आप DRL इसका ऑन करते हो, यानी कि चाबी आपने जैसे इग्निशन ऑन किया तो ये येलो रहता है। तो इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसका लो बीम और हाई। तो ये देख लो गाइस, तो ये इसका हेडर फोकस बहुत अच्छा है इसका, यहाँ से देखो आप। तो ये सिर्फ फैंसी नहीं होती है और ये जो है वर्क भी करती है एक्चुअल में, और लेकिन जो लुक आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। मैंने अपने इंटरसेप्टर में भी लगाया था, काफ़ी अच्छा लुक आया इसका। और ज़्यादातर आपने GT में देखा होगा और रॉयल एनफील्ड में काफ़ी सारे देखा होगा, ये माइनस का काफ़ी जो है ऑसम लुक आता है। बाकी इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन और भी हैं। तो ये तो हो गया फ्रंट का, एक बार साइड से भी देख लो कुछ ये वाला लुक आ रहा है। और अगर आप लोगों के पास कोई और बाइक है और आप चाहते हो कि उसको इस तरीके का बनाना चाहते हो, जरूरी नहीं है आप लोगों के पास CT 100 हो या CT 125 हो या राइडर हो, कोई भी हो, सब तरीके का हो जाता है। ये आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए भाई, ये डिपेंड करता है भाई। काफ़ी लोग MT का लगवाते हैं तो वो भी लग जाता है। एक यहाँ पर वाइजर भी लगा रखा है जो कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से भी। तो ये हो गया फ्रंट इसका। एक बार आप बैक साइड में आओगे तो इसका मीटर भी देखोगे तो डिजिटल लगा रखा है जो कि कलर चेंज करता है। यहाँ पर छोटा स्विच है, इसको आप कुछ सेकंड तक होल्ड करोगे ना तो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो गाइस, अभी ये रेड है। तो ये इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया इसका मीटर, लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है और डिजिटल में तो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। रात में जो आपको अच्छा लगे वो कलर सेट कर लेना आप। इसके अलावा मिरर भी इसके चेंज है, वैसे बेसिकली ये एवेंजर के हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर बाइक्स में क्या होता है, जो मिरर लगते हैं ना वो लूज़ होते रहते हैं, बट इस केस में क्या है, एक बार लग गया तो लग गया और व्यू बहुत बढ़िया दिखता है भाई इसमें। अब चाहो इसको आप इस तरीके से कर लो तब भी बेटर है, और जिस तरीके से लगे हुए इस तरीके से भी कर लो। तो ये आप लोगों की पसंद है कि आप लोगों को कैसा रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्विच आप देख रहे हो, ये वाला, तो ये फॉग लाइट का है। तो यहाँ पर लगा रखी मिनी ड्राइव HJG की फॉग लाइट, जिसमें दो कलर मिलते हैं, एक मिलता है व्हाइट और एक मिलता है येल्लो। अब येल्लो जो है बेसिकली इसे बरसाते हैं, फॉग है, कोहरा वगैरह होता है ना, तो येल्लो ही जो है कोहरे को काटता है और एक्सीडेंट के चांस कर देता है कम, क्योंकि व्हाइट जो है फोकस दिखता नहीं है। व्हाइट अगर आप करना चाह रहे हो तो सिंपली एक स्विच लगा रखा है यहाँ पर, तो ये व्हाइट है, फोकस देख लो एक बार आप, ये देख लो गाइस। तो ये व्हाइट और येल्लो हो गया, दोनों हो गए। और गाइस फ्रंट का कुछ ये वाला लुक हो चुका है जो आपने देखा, और अब इसको मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखाना चाहूँगा। तो बैक साइड से अगर आप देखोगे तो जो ये वाला पार्ट है कट करके इसका एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा रखा है, जिसमें कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। ये देख लो गाइस, इसमें एक बैकलाइट तो है, एक छोटी सी बैकलाइट यहाँ पर भी है, ये देखो। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने आप में यार। ये वाला पूरा पार्ट चेंज है इसका, और यहाँ पर एक टायर वगैरह लगा रखा है। इसका लगाने का मकसद ये है कि जो इस जगह पर मिट्टी वगैरह है ना, ये तो ये यहाँ पर इकट्ठा ना हो, इसीलिए टायर वगैरह लगाया जाता है। आप बरसात में लगा सकते हो, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हो आप। तो ये तो कोई कंप्लीट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों के पास कोई और बाइक है तब भी आप इस तरीके का काम करा सकते हो। तो गाइस इसमें लास्ट में एक चीज़ और है जो आप देखोगे ना, इसका जो टैंक और इसका जो साइड, तो इसमें क्या है, डार्क स्मोक ग्रे जो है रैप की गई है, जो कि लेमिनेशन का भी काम करेगी, स्क्रैच से बचाएगी, जो कि आप देख ही सकते हो कितना डिसेंट सा लुक आ रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो, मतलब लोगो वगैरह जो इसके अंदर ही है, जब आप चाहो इसको हटा भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यही लगाना है। तो ये भी आप लोग चेक करो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और शाइनिंग कितनी आ चुकी है बाइक में, ये देखो यार। तो काफ़ी जो है ऑल ओवर एकदम कहते हैं ना, अट्रैक्शन लेने वाली चीज़ बन चुकी है। छोटी छोटी चीज़ें करा के ना अपनी बाइक में आप इस तरीके का काम करा के चार चार लगा देते हो यार, ये देख सकते हो। बाकी आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज करा सकते हो, लेकिन वो आप लोगों की मर्जी होती है। सिंपल लेमिनेशन भी करा सकते हो PPF। तो ये और एक चीज़ थी इसमें गाइस, उस पर इसमें क्या आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, या फिर मैं स्क्रीन पे चलाने की कोशिश करूँगा, तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। दिल्ली के रहने वाले हो तो करोलबाग नाईवाला मार्केट में आ सकते हो अपनी शॉप पर, जो कि मिलेगी आपको SKD के नाम से। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। एक शॉर्ट लिस्ट।